जेडीयू से निकाले जाने के बाद साबिर अली ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जेडीयू का दामन थामने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उनसे बातचीत के हमारे संवाददाता पंकज पांडे ने। जेडीयू के दिग्गज नेता रहे साबिर अली ने पार्टी से निष्कासित होने के बाद अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। जाने के सबसे पहले प्रतिक्रिया बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या है आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया बीजेपी में शामिल होने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं समझता हूँ कि देश को आगे ले जाने की जो जमात है उसके साथ मैं आज शामिल हुआ हूँ। इससे पहले वो लोग थे जो अपने आगे ले जाने की जमात थी और इंसान से जिंदगी में गलतियां होती रहती हैं। जब मैं महसूस किया कि वो लोग जो दूसरे को बधुआ मजदूर बनाकर रखना चाहते हैं और उन्हीं के पीठ पर, अकलियत के पीठ पर, हमारे जैसे मजबूत लोगों के पीठ पर खड़ा होकर अपनी मजबूत इमारत तामीर करना चाहते हैं, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि दूसरे को इस्तेमाल करो और खुद की इमारत मजबूत करो। ऐसे लोगों के साथ कभी कोई ज्यादा दिन मजबूत आदमी नहीं रह सकता और ये वहीं के इतिहास है कि जब भी कोई उनके करीब गया उन्होंने उसी को काटा। जब भी देख लिया, महसूस किया कि आदमी मजबूत हो सकता है, अपनी हक की बात कर सकता है, उसकी वो पत्ता साफ कर देते हैं। वहां आखिरी बारी, अभी मैं समझ रहा हूं, मैं जितना दिन था महसूस करता रहा कि अभी शरद जी की बारी है। पिछले दिनों एनके सिंह ने कहा था कि पहले विकास की राजनीति करते थे लेकिन अब वो सर्वाइवल की राजनीति करने लगे, कहीं ना कहीं अस्तित्व बचाने की लड़ाई सिर्फ नीतीश कुमार, इससे ज्यादा उनके पास और कुछ भी नहीं है। है ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप देख लीजिए बिहार की जो अभी स्थिति जो दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है, उनके पास 24 घंटा में या तो अपना जो कार्यक्रम है वो करते हैं, नहीं तो अपने को बचाने को और अपने को ऊपर कैसे लेके जाए, चाहे उसका रास्ता जितना खतरनाक क्यों नहीं हो, कोई भी षड्यंत्र क्यों नहीं रचे और अपने आप को ऊपर ले जाने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। लेकिन अब तक आप मोदी के धूल विधूल माने जाते रहे थे, अब कैसे करेंगे मोदी राजनीति में? जब आदमी कहीं घोर विरोधियों के बीच रहता है तो उसी में शुमार किया जाता है, लेकिन जब समझ आई, हमने समझा और परखा और मैं समझता हूँ कि इस कारवां को आगे ले जाने पर हमारी जितनी शक्ति है उसको पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे इस कारवां को। आगे सवाल, बीजेपी भूमिका आपकी क्या रहने वाली है? ये तो बीजेपी तय करेगी। मैं सिपाही की तरह जहां भी रहता हूं ईमानदारी से काम करना जानता हूं। मैं अपनी पूरी 100% क्षमता जितनी मेरी है मैं इस्तेमाल करूंगा, जो हमको बीजेपी हमको कहेगी वो मैं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर अली ने साफ तौर पे कहा है कि पहले उन्होंने गुजरात के बारे में नहीं जाना था, बीजेपी के विचारों को नहीं जाना था, लेकिन अब वो बीजेपी के करीब से जुड़ चुके हैं और बीजेपी के तमाम सिद्धांतों को जान चुके हैं और अब बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार आगे काम करते रहेंगे। पार्टी जो भूमिका तय करेगी उसे पूरे ईमानदारी के साथ उस भूमिका को निभाएंगे। कैमरामैन ललित पाठक के साथ पंकज पांडे, साधना न्यूज, दिल्ली।